बिल्कुल, हम सब मानते हैं महिला प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और सर दूसरी बात कही कि महिलाएं ऊंचा पाठ में बैठते हैं, सर बहुत ही इज्जत रिस्पेक्ट के साथ आपको बताना चाहूंगी, महिलाओं ने उस सारे माहौल को जिया है, महिलाएं उस सारे माहौल के साथ बड़ी हुई हैं, सदियों से उन्होंने उसी माहौल में पला बड़ा और जन्मी और उसी माहौल को जिया है, तो वो एक पल में और कैसे उस सब माहौल को छोड़ सकती हैं। सही कहा अभी हमारे एक सभा में जो बैठे हुए हैं साथी ने कि हाँ उसको हम, हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारा दायित्व है कि उसको इस माहौल से निकाला जाए। कैसे निकाला जाए इसके ऊपर के विचार विमर्श होना चाहिए। एक छोटा सा सजेशन मैं दूंगी, कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी देखिए कॉन्फ्रेंस अगर होती है तो रिलेटेड पर्सन ही वहाँ से आते हैं, लेकिन अगर हमारे समाज में हमारा कोई प्रोग्राम होता है, हमारे परिवार में कोई प्रोग्राम होता है, तो हमारे सारे परिवार वाले इकट्ठा रहते हैं। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि जब आपका परिवार इकट्ठा हो तो उनको, क्योंकि वहाँ महिलाओं का जरूर, महिलाओं की उपलब्धि जरूर रहेगी, तो उनके साथ अपने समाज की समस्याओं को डिस्कस कीजिए, उनको बताइए कि क्या चल रहा है, क्या आज हमारे समाज किन किन परिस्थितियों से जूझ रहा है। इससे क्या होगा, उनको पता चलेगा, उनको आभास होगा वो क्या रहा है। दूसरा जो मनोज जी ने हमें एक टॉपिक दिया है, रोल ऑफ विमेन इन बहुजन मूवमेंट। साथियों अभी जैसे सर ने बताया कि टाइम की कमी है, कहने को बहुत है, बहुत सारी लेडीज के नाम मैं यहाँ लेना चाह रही थी जिन्होंने बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाया, लेकिन वो सब आपको मिल जाएगा, नेट से मिल जाएगा। मैं छोटी छोटी बातें कुछ बताना चाहूँगी। देखिए समाज में, हमारा समाज पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान समाज है, जब एक पुरुष समाज के कार्य के लिए बाहर निकलता है तो पीछे किसे छोड़ के जाता है, घर में महिलाएं रहती हैं। और मेरा अपना ये मानना है कि घर में रह रही महिलाओं का पूरा योगदान है जो बाहर समाज के कार्य कर रहे हैं हमारे पुरुष। कैसे, उसके लिए मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगी। पहला, अगर एक पुरुष घर से बाहर निकला है सामाजिक कार्यों के लिए तो पीछे वो छोड़ के जा रहा है एक महिला को जो फिजिकली, सोशली और इमोशनली अकेली है। आप भीड़ में 10 घंटे बिता सकते हैं, एक आप 4 दिन बिता सकते हैं, 10 दिन बिता सकते हैं, अकेले रह के घर में एक बार 1 घंटा बिता के देखिए तो पता चलेगा आपको। दूसरा, अगर आप बाहर निकले हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ पार्टनर, आपकी साथी क्यों नहीं निकली, उसे बच्चों का ध्यान रखना होगा, घर का ध्यान रखना होगा। ऐसी स्थिति में मैं कहूंगी उसका सेक्रीफाइस आपसे ज्यादा है। कैसे, एक दिन बच्चों के साथ अकेले बिता के देखिए, पता चल जाएगा कि उसका सेक्रीफाइस ज्यादा कैसे है। तीसरा, अगर आपने उसको घर छोड़ा है अपने परिवार के साथ, जहाँ आपकी अपनी माँ होंगी, आपके अपने पिता होंगे, आपकी अपनी बहन है, आपका अपना भाई है, 4 डिफरेंट मनोस्थिति के पर्सन्स के बीच आप उनको छोड़ के जा रहे हैं, और देखिए उनका इमोशनल बैलेंस, उनका सामंजस्य आकर एक उप तक नहीं करती है। तो हर स्थिति में महिला का योगदान बराबर का है, क्योंकि समाज पुरुष प्रधान है, उसके योगदान को नहीं माना जाता, उसके योगदान को नकारा जाता है। अरे मैं बात करूंगी एक उस महिला की जिसने अपने 4-4 बच्चों के शव को अपने सामने से जाते हुए देखा है और अपने पति से उफ तक नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। क्या आज उस रघाबाई को हम बाबा साहब के बराबर रखते हैं? क्यों नहीं, हम जय भीम के साथ जय रघाबाई भी बोलते हैं। आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश है कि महिलाओं के साथ ये भेदभाव करना छोड़िए। आज आप कहते हैं कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले, नहीं, उनको प्रतिनिधित्व दीजिए, उनको आगे रख के चलिए, फिर देखिए कि किस तरह से वो अपने मंदिरों में घंटी भी बजाएंगी,
वो आके हमारे समाज के प्रतिनिधित्व को करते हुए आपको दिखाएंगे। ऐसा ही एक मौका जिसका जीवंत एग्जाम्पल हमारे सामने है, सावित्री बाई फुले जी को दिया गया था ज्योतिबा फुले ने, और उन्होंने समाज की, भारतीय समाज की प्रथम शिक्षिका बनाकर बनकर दिखा दिया। और आज वो सिर्फ बहुजन समाज के लिए नहीं, स्वर्ण समाज के लिए भी एक उदाहरण है। तो साथियों, मैं सिर्फ, क्योंकि समय कम है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि घर की महिलाओं के साथ बातें कीजिए, डिस्कस कीजिए, प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, उनको आगे आने का मौका दीजिए। अगर किसी आपका अगर कोई प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है और उनका भी इम्पोर्टेंट है, तो तवज्जो दीजिए, एक बार आप आए, एक बार उनको आने का मौका। और इन्हीं के साथ मैं मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। बातें बहुत हैं लेकिन समय की कमी के कारण मैं अपनी आवाज को विराम दूंगी और एक बात सिर्फ बोलना चाहूंगी जो मैंने खुद लिखी है। बेचारी नहीं बहुजन नारी हूं मैं, उठी तो सब पे भारी हूं मैं, है संविधान अब साथ में मेरे, रमाबाई और बाबा साहेब किरणों की मारी हूं।